हे हाय एवरीवन सो कल हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स डिस्कस किए थे तो मुझे लगा स्पेस काफ़ी कम पड़ गया था तो आज मैंने ये ये मैप आपके लिए अपलोड किया है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो जहां तक मुझे याद है कल हमने एक तो जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स की बात कर रही थी जम कर कर ली थी जम्मू एंड कश्मीर के जो नेशनल पार्कस हैं दोज़ बेसिकली एक तो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये लद्दाख का है सॉरी और जम्मू एंड कश्मीर में एक तो दच्चिगम नेशनल पार्क यहाँ पर लिखा हुआ है फेमस है ये आपका जैसे कश्मीरी स्टैग या फिर हंगुल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पाया जाता है, यहां पर, फिर है खीर गंगा एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है फिर मैंने आपको बताए थे एक उत्तराखंड के अब इसी के थ्रू इस मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड में बात करें तो एक तो जिम कोरबेट ये 1936 में इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये पहला नेशनल पार्क है गंगोत्री है नंदा देवी नेशनल पार्क है राजा जी है और वैली ऑफ फ्लावर्स है कोरबेट और वैली ऑफ फ्लावर्स तो रट लो और राजा जी राजा जी से एक्चुअली यहाँ से राम गंगा फ्लो करती है ये भी चीज आपको याद रखनी है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में इसके बाद इसके बाद अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में एक तो डिब्रू साइकोवा है काजीरंगा है मानस है नामेरी है ओरांग है दिब्रू साइकोवा और यहाजीरंगा काजी काजीरंगा काजीरंगा एक तरह से इम्पोर्टेंट है मानस नेशनल पार्क का मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट्स हैं जो भूटान वाला पार्ट है उसको रोयाल बोलते हैं और इसको मानस बोलते हैं पिग्मी हॉक के लिए काफी फेमस है स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग होता है पिग्मी हॉक जो कि सिर्फ यहाँ पर पाया जाता है नामेरी एक टाइगर रिजर्व है उरांग एक टाइगर रिजर्व भी है यहाँ से धनसिरी रिवर फ्लो करती है ये मैंने आपको बताया था उसके बाद मनीपुर के जो नेशनल पार्क है ना में पार्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर ना फ्लोटिंग फोटो देखना कभी आप अकेला ऐसा नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में जहां पर एक फ्लोटिंग मतलब मतलब बहुत सारे वो हट्स बनाकर रहते हैं बेसिकली यहां पर लोग ना फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पर पाया जाता है इसके अलावा मिजोरम में ये सिर्फ कैबुल लामजाव याद रख लेना ये रहने देना शिरोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ का एक पॉपुलर स्पेसीज भी है कैबुल्लाम जाओ का ना शंघाई डियर शंघाई डियर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ब्रो एंटेलियर डियर भी बोलते हो आई थिंक ये उस टाइप के डियर की अकेली एक ऐसी स्पेसीज है जो कि बची हुई है उसके बाद मिजोरम में फोंगपुई मा फोंगपुई नेशनल पार्क है ब्लू माउंटेन आपने देखा होगा ब्लू माउंटेन एक तरह से फोंगपुई ब्लू माउंटेन इसके नाम से भी जाना जाता है इसको उसके बाद वेस्ट बेंगोल में एक तो बक्सा टाइगर रिजर्व है एक जलदापारा नेशनल पार्क है नेवड़ा वैली है सुंदरबन है अब ऐसे ना आपके अगर मान लो कि स्पीसीज पूछे जाए तो ऐसे याद रखना जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में ना नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज्यादातर एक तो स्नो लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड और एक तरह से हंगू सॉरी नॉट हुलॉक गिबॉन बॉन पाया जाता है लोकटक लेक में शंघाई डियर पाया जाता है मानस में पिग्मी होक पाया जाता है बाकी यहां पर टाइगर्स वगैरह तो मिलेंगे ना क्योंकि बंगाल टाइगर आपको पता है बहुत पॉपुलर टाइगर की स्पीसी है तो वेस्ट बंगाल में टाइगर्स काफी मिलेंगे और ये सारे एलिफेंट्स मतलब एलिफेंट्स वगैरह लेपर्ड वगैरह ये सब ज्यादातर हिमालय में मिलेंगे क्लाउडेड लेपर्ड एंड ओल ये सब है ना तो इस तरह से आप याद रख सकते हो रिसस मकाक मैंने आपको कल बताया था कॉमेंट सेक्शन में बताना रिसस मकाक कौन से नेशनल पार्क का फेमस है ओके त्रिपुरा में त्रिपुरा में ज्यादा कुछ खास है नहीं बिसोन नेशनल पार्क बस याद रखना त्रिपुरा का मेघालय का एक तो नौकरेक है और एक बाल है बालपकरम मेघालय का याद रख लेना नागालैंड का इंतांकी है इंतांकी स्पीसीज कुछ ज्यादा पॉपुलर इनमें नहीं है वही नॉर्मल स्पीसीज है छत्तीसगढ़ का मैंने इंद्रावती याद करवाया था इंद्रा, इंद्रावती और कांगेर घाटी मैंने आपसे पूछा भी था कि इंद्रावती बताना किसकी ट्रिब्यूटरी है बाकी सेंट्रल इंडिया में जो स्पीसीज है ना वो सब बहुत ही सिंपल स्पीसीज होते हैं जैसे वाइल्ड बफेलो हो गए टाइगर्स हो गए मेनली पन्ना टाइगर रिजर्व काना टाइगर रिजर्व ये सब नॉर्मल स्पीसीज हैं यहाँ पर भालू हो गया वो सब उड़ीसा में भीतर कनिका भीतरकनी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पॉपुलर है ओलिव रिडले रिडले सी सी टर्टल्स टर्टल्स के लिए ओलिव बहुत सारी नेस्टिंग साइट्स भी है यहाँ पर मास नेस्टिंग के लिए वो आती है यहाँ एक सिमले पार टाइगर के लिए टाइगर्स के लिए पॉपुलर है शिमले पार सिमले पार टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर याद रह जाएगा ना सभी को तो ये याद रखना बाकी यहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं और इसके अलावा ओलिव रेड ओलिव रेडले, रेडले थर्टल्स उड़ीसा में ये तीन चीजें फेमस हैं अंडमान निकोबार के मैंने कल याद करवा दिए थे तो कैम्बेल बे है महात्मा गांधी मरीन सेंचुरी है माउंट हेरियट है रानी झांसी मरीन पार्क है और सेडल पीक नेशनल पार्क है याद रह जाएगा फिर मैं आपसे केरला के याद करवा रही थी केरला के जो नेशनल पार्क हैं केरला में अगर देखिए तो एक तो अनाव या नाईमुदी शोला है एक इराविकुलम है मतिकेतन शोला है पंपादम शोला है पेरियार है और एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये छह तो देखो केरला के तो आपको याद रखने पड़ेंगे ये सारे कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है एक तो नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा नाम ही इनके थोड़े से अजीब से होते हैं मतलब नॉट अजीब से मतलब थोड़े अलग से होते हैं अनाइमुदी शोला जो है ना ये नीलगिरी टार और बिसोन और भाल हिरन स्पॉटेड डियर के लिए सांबर के लिए पॉपुलर है इरावी कोलम में ना एक प्लांट पाया जाता है नीला कोर प्लांट जो कि आई गेस आपने सुना होगा कि बेसिकली वो कई सालों के बाद एक तरह से ब्लूम करता है इराविकुलम नेशनल पार्क में नीला प्लांट इसके अलावा पर रायन टेल्ड मकाक भी पाया जाता है और इसके अलावा अना अनामलाई जो पीक है ना अनाम सॉरी अनाइमुदी जो पीक है कौन सी हिल्स की है बताना अनाईमुदी पीक इसी के अंदर लोकेटेड है इराविकुलम नेशनल पार्क के इनसाइड ही है वो उसके बाद मथिकेतन शोला जो नेशनल पार्क है ये हाथी के लिए फेमस है एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है पंपादम शोला जो है ये नीलगिरी मार्टेन नीलगिरी मार्टेन यहाँ का की स्टोन स्पीसीज है लिख लो नोट्स बना लो पंपादम शोला का नीलगिरी मार्टेन की स्टोन स्पीसीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना की स्टोन स्पीसीज का क्या मतलब होता है इसके अलावा यहाँ पर पालनी हिल्स है हम पादम शोला नेशनल पार्क से ना पालनी हिल्स आ, बेसिकली वा, वो, वाला एरिया में ये सिचुएटेड है पेरियार नेशनल पार्क पेरियार रिवर से याद रख लेना यहाँ पर नॉर्मल स्पीशीज होती हैं एलिफेंट है टाइगर रिजर्व है हॉर्न बिल है लाइन टेल्ड मकाक है ये सब फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व का पार्ट है यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइन टेल्ड मकाक की पॉपुलेशन पाई जाती है साइलेंट वैली में तो देखो साउथ इंडिया के जो स्पीसीज रहेंगे ना वो रहेंगे एलिफेंट टाइगर नीलगिरी टार नीलगिरी मार्टिन लाइन टेल्ड मकाक मैं आपको हल्का फुल्का क्योंकि ना ये चीजें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आगे हेल्प करेंगी इंडियन बिसौन हो गया ये सारे स्पीसीज यहाँ पर पाए जाते हैं फिर बात आ जाती है आंध्र प्रदेश मैंने कल याद करवा दिया था आपको आंध्र प्रदेश में दो ही इंपॉर्टेंट है एक तो पापी कोंडा है पपी मैंने आपको बताया था और एक राजीव गांधी रामेश्वरम श्री वेंकटेश्वरा जो की शेषाचालम हिल्स में है और रेड सेंडर्स के लिए काफी पॉपुलर है राइट right. उसके बाद तमिलनाडु के अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में एक तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन सेंचुरी है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है मुदुमलाई है मुकुर्ती है तमिलनाडु के ये सारे याद रखना मधु मधुमलाई मुकुर्ती इंदिरा गांधी गल्फ ऑफ मन्नार ये चार इंपॉर्टेंट है मधुमलाई तमिलनाडु का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मुदुमलाई और इंडिया का सेकंड मतलब जिम कॉर्बेट के बाद मुदुमलाई नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था उसके बाद कर्नाटका का बताई दिया था मैंने अंशी है बांदीपुर है बनेर है कुद्रेमुख कुद्रेमुख से तीन रिवर्स फ्लो करती है तुंग बद्रा और आ, एक और मैंने आपको बताई थी तुंग बद्रा और इसके अलावा एक और रिवर थी आ, ती करके वो भी यहाँ से फ्लो करती है बेसिकली uh, कुद्रे मुख नेशनल पार्क से और मैंने मैंने आपको पूछा था तुंग और बद्रा ये किसके ट्रिब्यूटरी बनती हैं आगे जाकर हाँ नेत्रावती बेसिकली नेत्रावती ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है तुंग बद्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेत्रावती उतनी इंपॉर्टेंट बेसिकली नहीं है इसलिए uh, नागरह होल उसके बाद नागरहोल है उसके बाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में नेशनल पार्क देखें तो यहाँ पर एक तो नवगांव है एक पैंच टाइगर रिजर्व पैंच नेशनल पार्क संजय गांधी और तडोबा ये सारे नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है तो याद रखिएगा यहाँ पर नॉर्मल स्पीसीज होते हैं जैसे लेपर्ड हो गया स्पॉटेड डेयर हो गया और ये सब होते हैं यहाँ पर ज्यादा नहीं होते हैं उसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में मैंने बताया था ब्लैकबक ब्लैकबक सेंचुरी भी है गिर ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में काफी सारे नेशनल पार्क हैं जैसे बांधवगढ़ है फोसिल नेशनल पार्क है पैंच है काना है कूना वाइल्डलाइफ सेंचुरी है और कूनो में ना ये आ, आ, इश, आ, री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहा था किस 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 स्पीसी से रिलेटेड री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट था बताना ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना इसके अलावा माधव नेशनल पार्क है पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क वन विहार नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के हैं मध्य प्रदेश में स्पीशीज सारे नेशनल पार्क्स में कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं है नॉर्मल स्पीशीज है जैसे बंगाल टाइगर है इंडियन बेसॉन है चीतल है स्पॉटेड डियर है स्वाम्प डियर है और एशियाटिक लाइन को री इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी इसमें ऊना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राइट एशियाटिक लाइन वैसे गिर फॉरेस्ट एरिया का एंडेमिक स्पीसीज है उसके बाद राजस्थान में जो नेशनल पार्क है ना वो डेजर्ट नेशनल पार्क है केवला देव नेशनल पार्क है मुकुंद्रा हिल्स है और रंथमबोर टाइगर रिजर्व रंथम बोर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का नेशनल पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है ये सारे मेन मेन राजस्थान के नेशनल पार्क याद रखिएगा और इसके अलावा मेन मेन यही आपको जैसे केवला देव गाना है यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस स्टार्ड के लिए अभी तो बहुत कम पॉपुलेशन उसकी बस गई है बची हुई है डेजर्ट नेशनल पार्क का एंडेमिक स्पेसिज है वो ग्रेट इंडियन बस स्टार्ड राइट और उसको प्रिजर्व भी किया जा रहा है बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं राजस्थान में उससे रिलेटेड हरियाणा में बाकी कालेसर है और सुल्तानपुर है सुल्तानपुर का मैंने बताया था कि अभी उसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है ठीक है तो ये सारे मैंने सिक्किम में कंचनजंगा मेन है कंचनजंगा ही बहुत है इतना ही याद रख लो बिहार में वाल्मीकि वाल, वाल बताया था मैंने उत्तर प्रदेश में मेन दुधवा नेशनल पार्क है बस तेलंगाना के नेशनल पार्क ये हैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जैसे महावीर याद रखना महावीर हरिना वनस्थली ये तेलंगाना का है इसके अलावा मृगवानी ये तेलंगाना का है ठीक है ये याद रखिएगा All right, बाकी जो स्पीसीज आए ना एक चीज याद रखना जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर स्नो लेपर्ड रेड पांडा ये सब मिलता है स्नो लेपर्ड रेड पांडा जो हेमिस नेशनल पार्क है जो दचिगम है उसमें आपका हंगुल पाया जाता है कश्मीरी स्टैग लोकटक का फेमस है शंघाई डियर और इसके अलावा यहाँ पर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो मानस में पेग्मी हो गया इसके अलावा हुलो गिबोन है ये सब इन जनरल पाया जाता है मकाक हो गया ये सब इन जनरल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्लाउडेड लेपर्ड बिशॉन ये सब राइट साउथ इंडिया में नीलगिरी टार नीलगिरी मार्टिन लायन टेल्ड मक जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन साइलेंट वैली नेशनल पार्क में है बाकी टाइगर्स पेंगोल टाइगर्स इधर आसपास के एरिया में मिलेगा जैसे भीतरकनी का सिमलेपाल सिम वगैरह वगैरह सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइज सोल्ट और मैंग्रोव ये सब आपको पता है कि कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं है ना तो वो नीचे वाले नेशनल पार्कस में मिलेगा एस्पेशली जो ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पर आ, मिलेगा बाकी अंडमान इकोबार में भी मिलेगा वो क्योंकि मैग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर है सेकेंड हाइएस्ट बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट